हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत हैं आज की विशेष खबरें। योगी सरकार प्राथमिक विद्यालयों में 71,000 अध्यापकों की करेगी भर्ती। अब ऐसे संचालित करें विद्यालय, प्रसिद्धी स्कूलों में बच्चों के टेस्ट, लिखित व मौखिक परीक्षा पर रोक। लंबे अरसे पर स्कूल खुलने के कारण नहीं डालेंगे पढ़ाई का बोझ। अफसरों के बीच अटके बेसिक शिक्षकों के तबादले व पदोन्नति, मंत्री की घोषणा के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। प्राथमिक विद्यालयों में खुलेगा शिक्षक भर्ती का पिटारा, पूरी होगी शिक्षा मित्रों की मुराद। शिक्षकों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं, अवकाश, आवेदन व शिकायतों का निस्तारण अब ऑनलाइन, उप मुख्यमंत्री। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हां दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ईएफ यूट्यूब चैनल पर। शिक्षकों की भर्ती को लेकर अध्ययन करने के लिए विशेष समिति बनाई गई। समिति प्रदेश भर में शिक्षकों की संख्या, स्कूलों में बच्चों की स्थिति और उनके अनुरूप शिक्षक छात्र के आदर्श अनुपात का अध्ययन करेगी। लखनऊ, यूपी में योगी सरकार बेसिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती बड़ी संख्या में करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे इस व्यवस्था को मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के शिक्षकों की भर्ती को लेकर सभी परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए विशेष समिति गठित की है। समिति में कौन कौन? मुकुल सिंघल चेयरमैन राजस्व परिषद, अनामिका सिंह सचिव बेसिक शिक्षा, प्रताप सिंह बघेल सचिव बेसिक शिक्षा परिषद। मुकुल सिंघल इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, शेष दोनों समिति के सदस्य हैं। इन बिंदुओं पर करेगी अध्ययन। स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की स्थिति क्या है? क्या नए पदों का सृजन किया जा सकता है? क्या स्कूलों में आने वाले बच्चों की संख्या और शिक्षकों की संख्या का अनुपात आदर्श स्थिति में है? शिक्षकों के 74,112 पद रिक्त। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के 74,112 पद रिक्त हैं। सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में दिए हलफनामे में सरकार ने बताया था कि प्रदेश में इस भर्ती के बाद भी शिक्षकों के 51,112 पद रिक्त हैं। इसके अलावा 68,500 शिक्षकों में से 23,000 शिक्षकों की पदों पर भर्ती शेष है। इस तरह प्रदेश में कुल 74,112 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। शिक्षा मित्रों को मिलेगा वेटेज। योगी सरकार की मंशा शिक्षकों की इस भर्ती में शिक्षा मित्रों को पूर्व की भांति वेटेज देने का है। ऐसे में जिन शिक्षा मित्रों की शिक्षक पद पर नियुक्ति नहीं हो पाई, एक बड़ा मौका दिए जाने की तैयारी योगी सरकार कर रही है। समिति को जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट मिलते ही बेसिक स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। लखनऊ, कोरोना संक्रमण के चलते लंबे अरसे बाद खुले बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पठन पाठन के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परिषद के विद्यालयों में किसी प्रकार के टेस्ट और लिखित व मौखिक परीक्षा पर रोक लगा दी गई है। विभाग का मानना है कि कोरोना की दूसरी लहर के भयावह रूप को देखने और अनुभव करने के बाद बच्चे स्कूल आ रहे हैं। ऐसे में स्कूल आते ही उन पर पढ़ाई का बोझ डालने की जगह सहज वातावरण दिया जाना चाहिए, इसलिए शिक्षकों को बच्चों के साथ खेल गतिविधियां कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पहले और दूसरे सप्ताह में बच्चों को रोजाना एक शिक्षा प्रद कहानी सुनाई जाएगी। कोरोना के कारण लर्निंग गैप को दूर करने के लिए शिक्षकों और बच्चों के साथ गतिविधियां आयोजित कर बच्चों के वर्तमान शैक्षिक स्तर को समझा जाएगा। विभाग की सचिव अनामिका सिंह ने अग्रिम आदेश तक किसी भी स्थिति में बच्चों का किसी प्रकार का टेस्ट, लिखित या मौखिक परीक्षा नहीं कराने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों के जिले के अंदर तबादले, अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले और पदोन्नत के मामले अफसरों के बीच अटक गए हैं। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने अफसरों पर शिक्षकों से जुड़े मामलों पर टालमटोल रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चंद शर्मा का कहना है कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद द्विवेदी ने गत माह विभाग की बैठक में जिले के अंदर तबादले अगस्त में करने के निर्देश दिए थे, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद से लेकर शासन तक मामले में कार्रवाई न होने से अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। इसी प्रकार पारस्परिक तबादले शुरू करने की बात आगे नहीं बढ़ी है। उन्होंने बताया कि परिषद के स्तर से प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 5 के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति की कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। मृतक शिक्षकों के आश्रितों को चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जगह लिपिक एवं सहायक के पद पर नियुक्ति देने की घोषणा को भी 1 वर्ष से अधिक समय हो गया। यह मामला भी शासन और सरकार के बीच लंबित है। मंत्री की घोषणा के बाद भी शिक्षकों से जुड़े मामले में कार्रवाई न होने से शिक्षकों में असंतोष एवं हताशा है। वहीं विभाग के संयुक्त निदेशक गणेश कुमार का कहना है कि जिले के अंदर तबादले की कार्रवाई चल रही है, जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 1.25 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती पूरी करने के बाद योगी सरकार अब खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने जा रही है। योगी सरकार की इस घोषणा से नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे उन हज़ारों शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें पिछली भर्ती में जगह नहीं मिल सकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में भले ही शिक्षा मित्रों के हक में फैसला नहीं सुनाया था, लेकिन उन्हें एक और मौका दिए जाने का आदेश दिया है। यानी अगली भर्ती में शिक्षा मित्रों को पहले की तरह वेटेज दिया जाएगा। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षक भर्ती के शेष कोर्ट में सुनवाई के दौरान हलफनामा दिया था कि विभाग में 51,112 शिक्षकों के पद खाली हैं। शिक्षा मित्रों के पक्ष में फैसला आने पर भर्ती पूरी होने के बाद भी नियुक्ति दी जाएगी। हालांकि फैसला शिक्षा मित्रों के हक में नहीं आया। 68,500 भर्ती में करीब 23,000 पद खाली हैं। दोनों रिक्त पद को जोड़कर योगी सरकार की सबसे अधिक पदों की भर्ती घोषित हो सकती है।
लखनऊ कोरोना संक्रमण के दौरान 200 में चल रही कक्षाओं को लेकर शिक्षकों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों पर उपमुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा में 2 शिफ्ट की पढ़ाई अस्थायी है। प्राचार्य ध्यान दें कि शिक्षक निर्धारित पीरियड ही पढ़ाएं, एक शिक्षक को एक दिन में एक ही विषय 2 बार ना पढ़ाना पड़े, शिक्षकों के अधिकारों का अतिक्रमण ना हो। शिक्षक दिवस पर रविवार को CMS गोमती नगर में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक राज अध्यापक मुख्यमंत्री अध्यापक व जिले के शिक्षकों के सम्मान में समारोह को शिक्षकों को सम्मानित करने के बाद डॉक्टर शर्मा ने कहा कि समय से क्लास लेने वाले, अनवरत विद्यार्थी बने रहने वाले, हमेशा सीखने वाले श्रेष्ठ शिक्षक होते हैं, हमें ऐसे ही शिक्षक तैयार करने होंगे। उन्होंने बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने में UP अग्रणी प्रदेश रहा है, हमने रोजगार परक पाठ्यक्रम तैयार किया है, यह हमारी सफलता ही है कि आज अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया भी प्रदेश में ऑफ कैंपस खोलने के इच्छुक हैं। इसी विद्यार्थियों का पलायन रुकेगा कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी, विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा शंभु कुमार, नेहा प्रकाश, उदयभान त्रिपाठी, जयशंकर दुबे, विनय कौर पांडे आदि उपस्थित थे। संस्कृत शिक्षा पर जोर, डॉक्टर शर्मा ने कहा कि संस्कृत की पढ़ाई के लिए भी काम किया जा रहा है, जल्द ही इनके खाली पद भरे जाएंगे। संस्कृत निदेशालय के लिए भी पैसा स्वीकृत हो गया है, संस्कृत के विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबें देने का प्रस्ताव है, इनके विद्यार्थियों को भी माध्यमिक के विद्यार्थियों की तरह पुरस्कार दिया जाएगा। कार्यक्रम में डॉक्टर शर्मा ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित रामपुर के सहायक अध्यापिका तृप्ति माहौर व औरैया के सहायक अध्यापक मनीष कुमार को सम्मानित किया। साथ ही राज्य अध्यापक पुरस्कार 2019, मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार 2019 के लिए चयनित व जिले के माध्यमिक शिक्षा विभाग के 75 शिक्षकों को अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। देश में गुरु शिष्य परंपरा बहुत पुरानी है, गुरु का सम्मान सिर्फ शिष्य ही नहीं बल्कि पूरा समाज करता है, समय के साथ इसमें भी बदलाव आया। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर सरकारी चुनिंदा शिक्षकों को पुरस्कार के रूप में सम्मानित करने लगी। चयन के लिए कमेटियां बनाकर शिक्षकों की स्क्रीनिंग होती है, तब वे सम्मान के हकदार बन पाते हैं। हर साल यह सम्मान पाने के लिए होड़ मचती रहती है। योगी सरकार ने शिक्षकों के सम्मान में भी बड़ी लकीर खींची है। राज्य स्तरीय सम्मान की जगह पहली बार UP के सभी 75 जिलों का प्रतिनिधित्व हर जिलों में आयोजन कराया गया। रविवार को बेसिक माध्यमिक व उच्च प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जिले में अलग अलग तरह के शिक्षक दिवस मनाया। इन विभागों की ओर से हर जिले में 75-75 शिक्षकों व 5-5 शिक्षकों यानी प्रदेश के 17,250 गुरुओं को सम्मानित किया गया। स्क्रीनिंग, साक्षात्कार व शिक्षक की शिक्षण सामग्री आदि देखने की जगह उनके प्रदर्शन को ही आधार बनाया गया, यानी उस विद्यालय के रिजल्ट और शिक्षक के विषय के रिजल्ट को चयन में वरीयता दी गई। इतना ही संबंधित शिक्षक की छवि की भी चिंता की गई ताकि सम्मान पर सवाल ना उठे। ज्ञात हो कि पहले राज्य स्तर पर हर जिले से विभागवार एक शिक्षक को ही सम्मान मिलता था। कुछ जिले से शिक्षकों की संख्या अधिक व कुछ के नगण्य भी हो जाती थी। जिले में पहले स्थानीय अधिकारी व जनप्रतिनिधि की पहल पर ही शिक्षकों को सम्मानित किया जाता रहा है। पूर्व की सरकारों ने इस तरह सम्मानित करने की पहल नहीं की। चुनावी साल में सरकार ने बड़े वर्ग को बड़े मन से सम्मानित कराया। इसमें यह भी ख्याल रखा गया कि शिक्षा देने में अभी वित्तहीन कॉलेजों की संख्या व भूमिका अधिक है, इसलिए वित्तहीन स्कूल के कॉलेजों के शिक्षकों का 50% चयन किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में हुए पंचायत चुनाव में सबसे अधिक शिक्षक ही हताहत हुए थे। इस निर्णय से सरकार शिक्षकों के बीच पैठ बनाने में सफल रही। लखनऊ यूनिक टीचर्स एम्प्लॉयज कमेटी UTEC ने शिक्षक दिवस पर ट्विटर पर शिक्षकों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति और सामूहिक बीमा बहाल करने का अभियान चलाया। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री को टैग करके मेडिकल GIS फॉर UP टीचर्स अभियान चलाया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सरल और IT सेल प्रदेश प्रभारी अतुल मिश्र ने बताया कि प्रसिद्धि व सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति से वंचित रखा गया है। उन्हें उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री वर्ष 2014 से बंद सामूहिक बीमा को बहाल करेंगे। नहाते समय गंगा में डूबे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक। प्रयागराज, बेटे और भतीजे के साथ रविवार को गंगा स्नान करने गए दिव्यांग शिक्षक पवन कुमार गुप्ता पैर फिसलने से गंगा में डूब गए। बेटे और भतीजे के चीख पुकार से नाविकों ने गंगा में छलांग लगाई। गोताखोर जल पुलिस और SDRF की टीम दिनभर तलाश में जुटी रही, लेकिन देर शाम तक कुछ पता नहीं चल सका। गोंडा जिले के सिविल लाइन मोहल्ला निवासी 32 वर्षीय पवन कुमार गुप्ता पुत्र प्रेमचंद बहादुरपुर स्थित सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं। वाझूसी के त्रिवेणीपुरम कॉलोनी में किराए पर कमरा लेकर पत्नी और बच्चे संग रहते हैं। पवन एक पैर से दिव्यांग हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि शिक्षक ने पहले अपने बेटे को स्नान करवाया, फिर बाद में खुद स्नान करने के लिए पानी में गए। इसी दौरान वह गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। जल पुलिस प्रभारी कड़ीदीन यादव, कार्यवाहक थानाध्यक्ष दारागंज शैलेन्द्र पांडे गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कराया। काफी देर तक पता नहीं चला तो SDRF की टीम बुलाई और जाल डलवाया गया, लेकिन देर शाम तक पानी में गायब शिक्षक की तलाश पूरी नहीं हो सकी। बिलखते बेटे को स्नानार्थियों ने संभाला। काफी देर तक बेटा नमन जब अपने पिता को नहीं दिखा तो रोने लगा। वह बार बार पिता को बुलाने के लिए कहता रहा। यह देख वहां मौजूद कुछ महिला स्नानार्थी ने बिलखते बच्चे को किसी तरह संभाला। वहीं भतीजे शिवाय को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हो गया। व्यक्तित्व समाज व राष्ट्र निर्माता होता है अच्छा शिक्षक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को कहा कि छात्रों के अंतर्निहित प्रतिभाओं को निखारने की प्राथमिक जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है और एक अच्छा शिक्षक एक व्यक्तित्व निर्माता, एक समाज निर्माता और एक राष्ट्र निर्माता होता है। ऐसे शिक्षक उनके इस विश्वास को मजबूत करते हैं कि भविष्य की पीढ़ियाँ उनके हाथों में सुरक्षित हैं।
शिक्षक दिवस के मौके पर देश भर के 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के अवसर पर वर्चुअल समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि हर बच्चे की अलग क्षमता और प्रतिभा होती है। शिक्षकों को उनकी जरूरतों और रुचियों को ध्यान में रखते हुए छात्रों के सर्वांगीण विकास पर फोकस करने की जरूरत है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए कोविंद ने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में शिक्षकों का बेहद अहम स्थान होता है। लोग अपने शिक्षकों को जीवन भर याद रखते हैं। अपने छात्रों को स्नेह और समर्पण से पढ़ाने वाले शिक्षक हमेशा अपने छात्रों से सम्मान प्राप्त करते हैं। राष्ट्रपति ने शिक्षकों से अनुरोध किया कि वे छात्रों को भविष्य के लिए प्रेरित करें और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सक्षम बनाएं। यह शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे अपने छात्रों में पढ़ाई के प्रति रुचि जगाएं। संवेदनशील शिक्षक अपने व्यवहार, आचरण और शिक्षण के जरिए छात्रों के भविष्य को आकार दे सकते हैं। कोविंद ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारत को ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति के तौर पर स्थापित करने का महत्वाकांक्षी उद्देश्य। जल्द भर्ती निकालने की अनुमति न मिली तो UPSC के लिए वादा पूरा करना आसान नहीं, शासन मौन। प्रयागराज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC ने आनंद फानंद ने APS यानी अपर निजी सचिव 2013 भर्ती को निरस्त कर दिया। फर्जीवाड़ा होने के आरोप में 23 अगस्त को भर्ती निरस्त की गई। आयोग का वादा था कि 10 दिन के अंदर नया विज्ञापन जारी करके नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फरवरी 2022 तक अंतिम रिजल्ट जारी करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन शासन अभी इस पर मौन है। स्थिति यह है कि भर्ती निरस्त हुए 15 दिन बीत गए, परंतु शासन ने इसे लेकर अभी तक कोई निर्देश नहीं दिया। शासन की अनुमति न मिलने के कारण भर्ती फंसी है। अनुमति कब मिलेगी, इस पर आयोग के अधिकारी कुछ भी बोलने को कतरा रहे हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए साफ नजर आ रहा है कि जल्द भर्ती निकालने की अनुमति न मिली तो आयोग अपना वादा पूरा नहीं। सबसे प्रिय शिष्य जब सूबे का मुख्यमंत्री हो तो एक शिक्षक के लिए इससे अधिक और क्या गौरवशाली हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सफलता पर उनके शिक्षक उत्साहित भी हैं और गौरवान्वित भी। शिष्य भी अपने शिक्षक के प्रति इतना समर्पित है कि सफलता का सोपान पाकर भी वो अपने मार्गदर्शक को भूला नहीं, बल्कि CM बनने के बाद भी पहली बार कानपुर आगमन पर शिक्षक का सम्मान कर उनको सर्वश्रेष्ठ बता दिया। इन सब में सबसे रोचक बात यह है कि अपने पथ प्रदर्शक की मांग पर 24 घंटे के अंदर हाईवे से गांव को जोड़ने वाली सड़क गुरु दक्षिणा में दे दी। यह है CM योगी के शिक्षक। आज के इस खास दिन पर हम आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शिक्षक महाराजपुर के खुजऊपुर निवासी नागेंद्रनाथ वाजपेयी से रूबरू कराते हैं। नागेंद्रनाथ वाजपेयी बताते हैं कि सन 1986 में जब वो राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज गजा टेहरी गढ़वाल में गणित के अध्यापक थे, तब आदित्यनाथ ने कक्षा 9 में प्रवेश लिया था। तब CM योगी के स्कूल का नाम अजय विष्ट हुआ करता था। इनके पिता आनंद सिंह विष्ट वहीं पर वन विभाग के अधिकारी थे। नागेंद्रनाथ ने अजय को 1986 से 1988 तक पढ़ाया। हिंदू युवा वाहिनी ने किया सम्मानित शिक्षक दिवस के अवसर पर रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिक्षा देने वाले उनके शिक्षक नागेंद्रनाथ वाजपेयी का हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया। हिंदू युवा वाहिनी प्रभारी विजय नारायण मुकेश, जिला संयोजक यदुवेंद्र, जिला प्रवीण सिंह, महामंत्री अमित और उपाध्यक्ष अखिलेश राठौर आदि इस मौके पर मौजूद रहे। कॉलेज के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों में से थे अजय। नागेंद्रनाथ वाजपेयी बताते हैं कि अजय विष्ट बहुत मेधावी थे। गणित विषय पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। कॉलेज के वो सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी थे। वो कॉलेज व कक्षा में समय से पहुंचते थे, अनुशासित थे और उनका नाम कभी किसी उद्दंडता के कार्यों में नहीं आया। इतना ही नहीं, अपने शिक्षकों का भी वो काफ़ी सम्मान करते थे। नागेंद्रनाथ बताते हैं कि अपने 35 वर्ष के शिक्षक के रूप में मैंने ऐसा छात्र नहीं पाया। तो दोस्तों, ये रहा आज का बिग ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।